इसकी जो जीरोज है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव या बोथ इक्वल, फैक्टर्स नहीं बन रहे हैं, नहीं बन रहे, इन्होंने डी वाले मेथड से किया हुआ है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेथड है उससे किया हुआ, डिस्क्रिमिनेंट से। अब तो उसके बिना तो फाइंड होगा भी नहीं, अगर फैक्टर्स ही नहीं बन रहे हैं तो। और फैक्टर्स डी वाले से तो नेगेटिव आ रहे हैं आंसर, -1.3 आ रही है जीरो, -97.7। रहने दो, ये छोड़ दो क्वेश्चन, आपको देखकर ही आएंगे क्वेश्चन। ये करो, इफ एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस, फाइंड ए एंड बी गिवन द रिलेशन 2a-3b इज इक्वल टू 4। ये रिलेशन आपको गिवन है, इस रिलेशन को यूज करके ए बी की वैल्यूज निकालनी है। एक्स प्लस वन इसका फैक्टर है, अगर फैक्टर है तो इसे सेटिस्फाई करेगा, इसकी जीरो क्या होगी, -1, इसमें -1 पुट कर दो, इक्वल टू 0 रख दो, ए बी की इक्वेशन बन जाएगी। ये इक्वेशन ऑलरेडी दे रखी है, दोनों को सॉल्व कर लो। एक्स प्लस वन इसका फैक्टर है, फैक्टर का मतलब एक्स प्लस वन इक्वल टू 0, -1 इसकी क्या आ गई, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, इसमें पुट कर दो, इक्वल टू 0 कर देना। रमेश उठ जाओ, आप इधर आओ, आगे इधर हो तुम, आप उठो हिमांशु वहां से, चलो इधर इधर आ जाओ, उस साइड पे चले जाओ। हाँ जी, एक मिनट, B2। हाँ जी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, देख के क्या होगा, इसमें एक्स की वैल्यू -1 पुट कर दो, इक्वेशन बन जाएगी। -1 पुट करके क्या इक्वेशन फॉर्म हो रही है, इक्वल टू 0, a-2b इज इक्वल टू 1, ये आ गया, इसमें -1 पुट करके ये इक्वेशन फॉर्म होगी, और एक इक्वेशन आपके पास है 2a-3b इज इक्वल टू 4, इन दोनों को सॉल्व करना है। इन दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे, एलिमिनेशन से, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे ऐसे बन जाएगी, सब्ट्रैक्ट कर दो कैंसिल, -b सब्ट्रैक्ट कर दो -2b आ गया 2। अब ये b की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, ये आ जाएगा 5, 5 आ रहा है a। ये करो नेक्स्ट, नहीं
इसकी जीरोस पूछ रहा है आपसे, कितनी जीरोस हैं, 1, 2, 0 या 3। इसकी ऑप्शंस हैं 1, 2, 0 या 3, इनमें से एक ऑप्शन यहाँ आने में, कितनी जीरोस हैं इसकी ये बताना है आपने। ये माधव, हाँ ये तो मैंने देखा ही नहीं इसको। a+2b आर जीरोज ऑफ x³ - 6x² + 3x + 10। फाइंड a+b फाइंड करना है। किसका वो? क्वेश्चन का आंसर हुआ कैसे सॉल्व करना है ये? सम ऑफ जीरोस, ये तीन जीरोस दी हुई हैं, इनका सम किसके इक्वल होगा? माइनस बी बाय, इनका सबका सम जो है -b/a। ठीक है, सॉल्व कर लो इसे। a a और a कितना हो गया, 3a + 3b = 6, क्या बन गया, a+b = 2। यही तो फाइंड करना है। और अगर a और b इंडिविजुअल फाइंड करने हो तो फिर थर्ड वाला कंडीशन वो लगाएंगे, तीनों का प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ थ्री जीरो टेकिंग एट अ टाइम, वो तो डबल वाले का होता है, b - d/a। फिर आप लगाओगे तीनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू, एक्चुअली ये क्वेश्चन वैसे नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा बता सकते हो? क्योंकि यहाँ पे सारे पॉजिटिव हैं, अगर तीन का प्रोडक्ट लगाना हो ना तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चाहिए होगा, तभी तो फॉर्मूला लगेगा। हमने क्वेश्चन किया था, अगर आपको याद हो तो, कल या परसों एक क्वेश्चन किया था जिसमें ए का एक आंसर आया था, बी की डबल वैल्यू आई थी प्लस माइनस में, सेम टाइप का क्वेश्चन है, वहां एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है ताकि कैंसिल हो जाए, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में पॉजिटिव वाला ही आएगा। नेक्स्ट देखो, इफ सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, मतलब सम ऑफ जीरोस जो है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के इक्वल है। सम ऑफ जीरोस क्या होता है,
बोलो हिमांशु, सम ऑफ जीरोस क्या होता है फॉर्मूला? हाँ जी, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? जयरीते क्या होता है फॉर्मूला? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का सी ओवर ए। तो यहां पे कह रहा है सम जो है वो प्रोडक्ट के इक्वल है। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी की वैल्यू क्या है, क्या आएगा? पहले वैल्यूज पुट कर लो कटिंग किससे पहले ही। माइनस टू बाय के इज इक्वल टू थ्री के बाय के, ठीक है? ये क्या आएगा, यहां से एक वैल्यू आएगी, डबल वैल्यू आएगी। बैठो, अगर कटिंग नहीं करते तो डबल आएगी, क्वाड्रेटिक बन रही है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ये क्या बनेगा, माइनस टू के इसको मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा, थ्री के स्क्वेयर। थ्री के स्क्वेयर प्लस टू के इक्वल टू जीरो, के कॉमन, थ्री के प्लस टू इक्वल टू जीरो, के आ गया जीरो और के आ गया माइनस टू बाय थ्री। अब के जीरो हो सकता है, पहले तो ये देखो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। अगर के जीरो हो जाएगा तो ये तो जीरो बन जाएगा, ये भी जीरो बन जाएगा, इसकी तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये क्या बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन। अगर ये जीरो ही हो गया तो ये क्वाड्रेटिक थोड़ी रहेगी, लीनियर बन जाएगी इक्वेशन। तो इसका मतलब के की वैल्यू आएगी माइनस टू बाय थ्री। कट कर दो, हाँ जी पहले कर दो, कर दो, कर दो, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, वहां नहीं करोगे तो यहाँ हो जाएगा। डिवाइड कर रहे हैं, इधर कर दो या उधर कर दो, एक ही बात है। आंसर माइनस टू बाय थ्री है, ठीक है? राइट डाउन, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, ये पॉलिनोमियल है, इसकी एक जीरो दूसरे की रेसिप्रोकल है, के फाइंड करना। जब भी रेसिप्रोकल का केस होता है, सम लगाओगे या प्रोडक्ट, कौन सा इजी रहेगा? एक जीरो अल्फा है, हाँ जी, एक जीरो अल्फा है, दूसरा उसका रेसिप्रोकल है, ठीक है? अगर सम करते हो दोनों का तो ऐसे बन जाएगा, प्रोडक्ट करते हो दोनों का तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बेटर है ना, जो इजी देख कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है क्वेश्चन को। लगा दोनों ही सकते हो, लेकिन सॉल्व इससे जल्दी होगा, ठीक है? चलो सम का फॉर्मूला लगाओ, माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाओ, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है ये करने, ठीक है? क्या आ रहा है ये क्वेश्चन लिखा हुआ स्टेटमेंट, वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड के। अटेंडेंस सेंड की थी कल, क्या आ रहा है आंसर? थ्री, ठीक है। ये क्वेश्चन बताओ जरा कैसे करेंगे, कल किया था ऐसा क्वेश्चन, अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो होता है। अच्छा, इसका आंसर आ गया पहले सबका, सी बाय ए सक्षम बोलो, सी क्या है, ए ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा दूसरा उसका रेसिप्रोकल वन बाय अल्फा। सॉल्व कर लिए? हाँ तो बोलो, वन आ गया, के कितना आएगा, थ्री आएगा। देखो इधर, कल आपको बताया था अगर ए प्लस बी प्लस सी का सम जीरो होता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या होती है? उठ जाओ वहां से, ये खुशी उठो वहां से, चलो ए क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 3abc। ठीक है, ये किया था कल, अभी ये यूज नहीं हो रहा, मैंने वैसे ही पूछा था कि आपको याद रहे। अब आपको ये दिया हुआ है, कहता है ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यूज है, सम जो है वो जीरो है। ठीक है, और ए जीरो ऑफ ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज 1, 0, -1 या हाफ, ये आंसर बताना है इनमें से। अगर ए प्लस बी प्लस सी का सम जीरो है तो इनमें से कोई एक इसकी जीरो है, जीरो मतलब इसका सॉल्यूशन है, कौन सा है वो? बहुत इजी है, देखने से ही पता चल रहा है, ये और ये सेम नहीं है, है कि नहीं? ए की जगह पे ए है, बी की जगह पे बी, सी की जगह पे सी, इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या है? वन, वन। जीरो किसने बोला? अगर वन पुट कर देते हो यहाँ पे तो ये हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, सेम आ जाएगी, इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या है? वन। इसका मतलब वन इसका क्या है? सॉल्यूशन, दैट इज जीरो। तो ये आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। सेम है बिल्कुल। पता चल गया कि नहीं? अभी भी क्या सिमिलैरिटी है दोनों में? इक्वेशन सेम है, ऑप्शंस भी सेम है, और एक चीज और सेम है, अभी भी नहीं पता चला क्या सेम है। वो तो बता दिया, और क्या सेम है? और इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है कि ए प्लस सी बी के इक्वल है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट और कांस्टेंट टर्म जो है, उन दोनों का सम जो है वो एक्स के कोफिशियंट के जैसा है, सेम। अब यहां से देखो क्या आपका रिजल्ट क्या आता है, -1। इसको यहां ले आते हो तो क्या बन जाएगा, ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये तो है ही पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर चाहे वन लिखो या माइनस वन लिखो, पॉजिटिव। एक्स की वैल्यू क्या बनेगी? -1, और सी तो है ही सेम। इसका मतलब अगर आप एक्स की वैल्यू -1 पुट कर दो तो सेम बन जाता है, तो इसका मतलब इसकी जीरो क्या है? -1। लिखो नेक्स्ट। इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल are equal find a, ये जो पॉलिनोमियल है इसकी zeros equal है, ये कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है, कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है ये? क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक का ग्राफ हमेशा पैराबोला बनता है। अगर a पॉजिटिव हो तो अपवर्ड पैराबोला, पहले वाला कोफिशिएंट पॉजिटिव हो तो अपवर्ड, अगर नेगेटिव हो तो डाउनवर्ड। अब कहते हैं इसकी जीरो सेम है, सेम मतलब इक्वल जीरोस हैं, क्या करेंगे? इसकी दो ही जीरोस होंगी, दोनों सेम है, मतलब अल्फा अल्फा। ठीक है, करो सॉल्व, देखो कैसे करोगे, सम से या प्रोडक्ट से, जिससे मर्जी करो, देखो जिससे होता है। दोनों ही लिख लिया करो, दोनों साइड लाइन डाल के दोनों लिख लिया करो, सॉल्व करके देखो। वैसे आपको पता है इक्वल जीरोस का मतलब क्या होता है? अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह से देखें, अगर आपको आता हो तो, अगर किसी पॉलिनोमियल की जीरोस जो है सेम है, इक्वल जीरोस हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है, डी जीरो होता है।
कि वो चैप्टर अभी आपने किया नहीं है, इसलिए आपको इसी इसी चैप्टर के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। बता सकते हो क्या आएगा, कैसे करना है? ए की वैल्यू फाइंड करनी है। अल्फा अल्फा एक बार लेके देख लेते हैं, दो जीरोज हैं उनका सम कर लिया, माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट भी कर लेते हैं, अल्फा इंटू अल्फा इज इक्वल टू सी बाय ए। क्या आएगा यहाँ से? प्लस माइनस वन, प्लस माइनस वन आएगा ना, ये तो अल्फा आया है। हमें क्या चाहिए? ए चाहिए। इस अल्फा को यहाँ पुट कर दे, इस अल्फा को यहां पुट कर दे, क्या आ जाएगा? अच्छा पहले ए की वैल्यू निकालनी है, ए को यहां ले जाते हैं, ये ऐसे हो जाएगा। आपको ए चाहिए ना, तो ए की वैल्यू लिख दी आपने, ये प्लस माइनस वन बाय टू आएगा। जब पॉजिटिव वन पुट करोगे तो माइनस वन बाय टू आएगा, और जब नेगेटिव पुट करोगे तो। ये समझ आया मैंने क्या बोला है? समझ आया सर मैंने क्या बोला है? अभी अगर मैं प्लस वन यहां पे पुट करती हूं तो आंसर क्या आएगा ए का? बोलो, अगर अल्फा को प्लस वन पुट करती है तो ए क्या आएगा? बोलो क्या आएगा केशव? माइनस वन बाय टू। और अगर माइनस वन पुट करते हैं तो पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ए की वैल्यू प्लस माइनस वन बाय टू आएगी। जैसे अल्फा डबल आया है, ऐसे ही ए भी डबल आएगा, प्लस माइनस वन बाय टू। ठीक है, तो डबल आंसर है इसका। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर, फाइंड की इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर। पुष्कर क्या मीनिंग है इसका? दो जीरोस क्या आएंगी? मतलब नहीं बताना मेरे को, बताओ मैं क्या लेके चलेंगे? अल्फा और, हाँ जी, दो जीरोस होती हैं, एक है अल्फा एक होती है बीटा। कहता है एक जो है वो दूसरे की नेगेटिव है। अगर एक अल्फा है तो दूसरी इसकी वैल्यू माइनस अल्फा, मतलब एक इसकी नेगेटिव है। बीटा भी ले सकते हैं, अगर बीटा लेना है तो उसकी नेगेटिव क्या होगी? तो ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये तो डिफरेंट होगी ना, तो बीटा की वैल्यू यहाँ पे माइनस अल्फा है। तो आपके पास दो जीरो है, एक अल्फा और एक माइनस अल्फा। अब कौन सा बेटर रहेगा? सम की प्रोडक्ट, सम क्यों, सम क्यों बेटर रहेगा? क्योंकि दोनों कट जाएंगे, इजी हो जाएगा ना। जैसे प्रोडक्ट में दोनों कैंसिल हो जाती है रेसिप्रोकल में, ऐसी सम में नेगेटिव वाला कैंसिल हो जाएगा। अगर आपको डाउट हो तो आप दोनों ही कर सकते हो, एक तरफ सम यूज कर लो और एक तरफ प्रोडक्ट। सम का फॉर्मूला, अब बी क्या है यहाँ पे? जयदित्य बोलना जरा, बी क्या है यहाँ पे, ए क्या है, पहले ये बताओ। आवाज नहीं आ रही, जल्दी लाउड बोलो फटाफट। ए टू है, बी बी, अंकिता बोलो बी क्या है यहाँ पे, ध्यान से बोलना। बी होता क्या है? कोफिशियंट ऑफ एक्स। बी क्या होता है? कोफिशियंट ऑफ एक्स। ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, कॉमन लेंगे। कॉमन के बिना एक को नहीं ले सकते, इसमें से कॉमन लेंगे। कैसे? टू एक्स स्क्वायर सेम, एक्स कॉमन। अब आपकी मर्जी, आप नेगेटिव कॉमन लेना चाहते हो कि नहीं। वैसे नहीं लेना चाहिए, अंदर ही रख दो जैसे है। बाहर प्लस, माइनस सिक्स के प्लस सिक्स इंटू एक्स माइनस सेवन। ठीक, इसको समझ में नहीं आया? हमने क्या किया इसमें से? एक्स रिमूव किया, बस एक्स रिमूव किया है। ये एक्स हटा दिया, ये एक्स हटा दिया, ये क्या बच गया? बी आ गया, ये बी आ गया, और जो एक्स था उसको बाहर लिख दिया। ये ए है, ये बी है, ये सी है विद नेगेटिव साइन। ठीक है, ये पुट कर दे यहाँ पे, माइनस बी, बी की वैल्यू क्या आएगी? माइनस सिक्स के प्लस सिक्स
अपॉन टू। अब प्रोडक्ट लगा लो, सी बाय ए। ये क्लियर है, ये समझ आ गया। कॉमन लेना है, कॉमन के बिना नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि पूरा कोफिशियंट ऑफ एक्स आपको चाहिए, तो अगर आप इंडिविजुअल लेते हो तो वो ये वाला तो रह जाएगा ना फिर, तो इसलिए पूरा लेना पड़ेगा। चलो सॉल्व करो। हाँ जी, ये क्या हो जाएगा, जीरो, ये टू इधर जाके जीरो, इसको सॉल्व कर लो, माइनस माइनस प्लस माइनस, ये इधर जाके जीरो बन गया। सिक्स के माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, के इज इक्वल टू वन, सिक्स बाय सिक्स आ जाएगा ना, वन आ जाएगा। हाँ जी, है? ले सकते हैं, ले सकते हैं। टू कहां से आएगा, ये टू नीचे वाला, टू इंटू जीरो क्या होता है, फिर टू कहां से आ गया, सिक्स के इज इक्वल टू सिक्स, के इज इक्वल टू सिक्स बाय सिक्स, दैट इज वन। ठीक है, के वन आ गया। अगर पॉलिनोमियल फाइंड करना हो तो के की वैल्यू वन पुट कर देना, पॉलिनोमियल बन जाएगा सिंपल फॉर्म में। इसी पॉलिनोमियल में जो पूरी इक्वेशन है, यहाँ पे एक्स है ना, यहाँ पे के की जगह वन पुट कर देना, सिंपल पॉलिनोमियल बन जाएगा। लिखो, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री ए एक्स प्लस थ्री ए स्क्वेयर माइनस वन इज सेवन, इज सेवन, ये क्या दे रखा है, सेवन, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अरियान फॉर्मूला क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो का, सम का क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला कैसे होता है बनाने का, बताया था मैंने क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला। बोलो तरुणदीप, गलत बात, बड़े वाला फॉर्मूला जो लिखते हैं एक्स क्यूब, ये तो आप जनरल फॉर्म बोल रहे हो, फॉर्मूला सम ऑफ जीरो दिया हो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अदिति बोलो आप, क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव।